सुनिए, ये गाड़ी जो है ना, ये गली के कोने में नहीं, वो जो सामने गेट है ना, उसके सामने खड़ी करें, ताकि जब दरवाजा खुले ना तो गाड़ी नजर आए। जी ओके। मैं आती हूँ। आशी, आशी जी, दरवाजे पे देखो कौन है। देख लो। फरहत, तुम? हाँ मैं। तुमने तो रात ही खत्म कर दिया। मैंने सोचा कि खुद ही आके तुमसे मुलाकात कर ली। अंदर नहीं बुलाओगी? आओ अंदर आओ। अपनी गाड़ी में आई हूँ। मेरी कार? तुम्हारी कार। आओ अंदर आओ। आओ। बैठो। मैं वहां बैठती हूँ। तुमने शादी कर ली तो मैंने सोचा कि मैं भी शादी कर लूं। आखिर पक्की दोस्ती जो हुई। एक सेकेंड। शादी का बात। अबील नाम है उनका। आओगी शादी पर तो देख भी लेना। मुबारक हो। बहुत बड़ा बिजनेस है अदील का। बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है। PCHS में एक बड़ा सा बंगला। बहुत अमीर है अदील। फरा, लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम किसी गरीब से शादी करोगी। अब ये तो नसीब की बात है। क्या करूं, मेरा यही नसीब। और वैसे भी जोड़े तो आसमानों में बनते हैं। तुम्हारा जमील के साथ और मेरा अदील के साथ। तुम्हारा शौहर नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं।
ये तुम शायदा की बेटी हो ना? जी आशी, मैं जाती हूँ, शादी का इनविटेशन देने के लिए आई थी, शादी को जरूर आनी थी। शायद मैं थोड़ी देर बैठती, मगर मुझे जमजमा जाना है ना, डिजाइनर के पास शॉपिंग के लिए। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, शादी पर जरूर आना। चलो हालात दिन ब दिन बहुत खराब होते जा रहे हैं मुश्ताक। जवान लड़की का घर से निकलना मुहाल हो गया। रुकी नजरें, जवान बेटी का साथ। पता है मोहल्ले के कुछ आवारा लड़के बहुत तंग करने लगे थे मेरी आशी को, जिनकी वजह से बहुत खौफजदा रहने लगी थी मेरी बच्ची। बस इसी डर से मैंने झटपट शादी कर दी आशी की जमील के साथ। ये तुम अब बता रही हो मुझे? कम से कम शादी से पहले मुझे बता तो देती नजमा। हाँ पहले बता देती ताकि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ जाते। भाई ना भी आता तो शादी के दिन आशी को दुआ तो देता, आशी से और जमील से बात तो कर लेता मैं। बाप को पता भी नहीं और बेटी की डोली भी उड़ गई। बस करो मुश्ताक, ज्यादा दिलीप कुमार बनने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम पाकिस्तान ना आ जाओ इसीलिए सोचा कि शादी होने के बाद बताऊंगी तुम्हें। चल तूने जो कुछ किया अच्छा किया। तू चाहती है ना कि मैं पाकिस्तान ना आऊं? तेरी यही मर्जी है, मगर एक बात याद रखना, अगर मैं यहां मर गया ना तो एक काम जरूर करना, मेरी मैयत को कम से कम पाकिस्तान जरूर आने देना। क्या बकवास कर रहे हो मुश्ताक, लगता है तुमने दुबई में ज्यादा भारतीय फिल्में देखना शुरू कर दी है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने अकेली जान ने तुम्हारी बेटी की शादी कर दी है। अच्छा खैर, जैसे ही आशी आती है ना मैं तुम्हारी उससे बात करवाती हूँ, तुम रखो फोन। पापा, शादी पर ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। कुछ तो करीबी रिश्तेदारों को बुलाना होगा, हॉल में कोई क्लास तो नजर आए, वरना उनकी तरफ से तो मेरे कुछ चले ही लोग आएंगे। फराह की अम्मी को बोलें कि कम लोगों को बुलाएं। वैसे वो बहुत चलाक औरत और उसका भाई उससे भी ज्यादा तेज। खैर हमें तो फराह से मतलब है, उसके घर वालों से क्या लेना देना। मैं तो कहता हूँ आपा के शादी को सिंपल रखते हैं, 20-25 लोगों को बुला लें। एक बात बताओ। पूछे? मैं कोई गलत फैसला तो नहीं कर रही? आपा कैसी बातें कर रही हैं? फराह को आपने पसंद किया है, बल्कि अब तो वो भी मुझे अच्छी लगने लगी है।
आप ये सोचना छोड़ दें कि आपने गलत फैसला किया है या सही फैसला किया, बल्कि मैं तो रात में फरा को शॉपिंग के लिए जाने का सोच रहा हूँ। सोच क्यों नहीं, ले जाओ। ठीक है तो फिर आप भी चले। नहीं नहीं मुझे रहने दो। अच्छा तुम दोनों अकेले जाओ, कुछ वो बताए कुछ तुम उसे बताओ। ओके। मेरा नाम कमल है जी। वो मैं आज सबकी वैन में जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, आपके भाई ने बात की थी वैन में जाने के लिए। ठीक है आप बैठ जाएं, पीछे बैठ जाएं। नहीं मैं आगे बैठूंगी। आगे तो वो किसी लड़की ने बैग रखा हुआ, अपने आपको पीछे बैठना पड़ेगा। ओके। काम गई मेरी जान। देर से वो दरवाजा खटखटा रहा था, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। वो तो शुक्र है मेरे पास वो थी, उस दरवाजे की चाबी पिछले वाले, तो उसे खोल के मैं अंदर आ गया। कैसी हो? ये चूड़ियां लाया हूं तुम्हारे लिए, अच्छी है ना? खुद पहन लो। क्या आशी, अगर तुम खुश नहीं हो मेरे साथ तो शादी क्यों की थी फिर? भाई ऐसे थोड़ी रहते हैं, मैं कब से तुम्हें खुश करने की कोशिश करता रहता हूँ, तुम हर वक्त डांटती रहती हो, गुस्से में रहती हो। तुम चाहती क्या हो आखिर, आज बता ही दो मुझे। तुम भाई तलाक दे दो मुझे। क्या कह रही हो तुम? अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है मुझसे तो तलाक दे दो, क्योंकि मैं ऐसी ही हूं और ऐसी ही रहूंगी। नहीं मुझे कोई मसला ही नहीं है तुमसे, तुम्हारा जैसे दिल करे वैसे रहो। सारा घर, वो मेरी अम्मा, मैं, हम सब तुम्हारे। तुम जैसे रहना चाहती हो रहो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा यहाँ पे। ठीक है। और आइंदा से ऐसी कोई फजूल चीज मेरे लिए लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये रंग अच्छा नहीं लगा शायद। ठीक है तुम कल चलना मेरे साथ, तुम्हारा जो दिल चाहे वो ले लेना। ठीक है हम कल चलेंगे शॉपिंग। Thank you.
किधर जा रही है तू? अपने घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या ये घर किसका है? अपनी अम्मा के घर जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ आशी, जिस दिन से तू ब्याह कर आई है तेरा ध्यान किसी और तरफ है। अरे मुंह देखा है अपना कैसा फीका फीका है, नई दुल्हन तो लगती ही नहीं है। पहले तो बड़ा बन सवर के रहती थी, अब बनना सवरना भूल गई? मेरा मुंह ऐसा ही है खाला। अरे तूने और तेरी माँ ने कभी नमाज पढ़ी, कुरान को हाथ लगाया, अल्लाह को याद किया? यही वजह है तुम दोनों माँ बेटियों के चेहरे बुझे बुझे। मैं कहती हूँ कि जाके सजदे में गिर जा, तौबा कर, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। खाला तुम अपने दीन का ख्याल करो और हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। जानती है तुझे मैं क्यों रोकती टोकती हूँ? ताकि जब तू माँ बने और मेरे पोते पोतियां हो तो उनकी अच्छी तरबियत करे। जा जाके माँ से मिला और जल्दी वापस आना, हंडिया भी चढ़ानी है चूल्हे पे। मुझसे नहीं होगा ये सब। तेरे हाथों की मेहंदी तो कब की उतर गई है, कौन करेगा घर के सारे कामकाज? नौकरानी रख लें अगर ये सब काम करवाने हैं तो। है? 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 अरे माँ ने जरा तरबियत नहीं दी, इसीलिए कहती हूँ नमाज रोजा किया करो, शायद कुछ तमीज आ जाए। तो तंग ही आ गई हूँ अम्मा, पागल औरत है खाला। फिर तुमने नमाज पढ़नी है, तुम खुद पढ़ो, तुम दूसरों को दर्स क्यों देती हो? हाय हाय, जिसके दिल में बुग़्ज़ हो उसकी नमाज रोजों का कोई फायदा? देख लेना आप तो सीधी जहन्नुम में जाएंगी। अम्मा मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुमने कहा था मुझे निकालोगी वहां से, अब कब तक और सहूं? अच्छा बेटा थोड़ा सब्र कर ले, जो तूफान उठा था उसकी धूल तो बैठ जाने दे। तुम्हारे कहने पे मैं सब करती जा रही हूँ अम्मा, लेकिन ये ना हो कि धूल बैठने से पहले मेरी सांसें ही बैठ जाए। तू सुन मेरा बच्चा, दिल छोटा मत कर, जहाँ इतने दिन गुजार लिए वहाँ चंद महीने और गुजार ले। बस चल मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा ले, चल मेरा बच्चा। चलो भाई। आपने नहीं उतरना क्या? नहीं। क्यों? क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। आप मुझे किसी रेस्टोरेंट छोड़ देंगे? हाँ अपना तो काम ही उठाना और छोड़ना है। एक मिनट। आपको पता है मुझे मेरे घर की गाड़ी छोड़ने और लेने के लिए आती थी। हाँ दो तीन दफा देखा है। मुझे सहूलत मैसर थी, उसके बावजूद मैंने वैन लगवाई। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे वैन में बैठना अच्छा लगता है, वो भी फ्रंट सीट पर। अच्छा तो कोई मसला नहीं है, फ्रंट सीट पर बैठ जाए करो रोजाना। रियली थैंक यू। हाँ रास्ता बता देना मुझे कहाँ जाना है। जहाँ आपका दिल करे। हाँ भाई पता है अम्मी, जब मैंने आशी को बताया ना कि मेरी गंभीर लड़के से शादी हो रही है तो जल भून के खाक हो गई थी और फिर गेट पर चमचमाती हुई गाड़ी भी खड़ी हुई थी। सोच रहे उसकी क्या हालत हुई होगी, इतना सा मुंह रह गया था। दफा कर, हमें क्या लेना उससे, और उनकी शादी जैसे बड़ी धूमधाम से हुई थी। अरे दुबई वालों की शादी ऐसे होती है, ऐसी शादी तो मामूली झोपड़ी वाले भी कर लेते हैं। ये देख
कितना महंगा काम हुआ इस पे, अरे बहुत पैसे लगे होंगे इस जोड़े पे। अम्मा मुझे तो अदील कह रहा था कि आप डिजाइनर्स के कपड़े पहना करो। और जेवर के लिए क्या कह रहा था? कह रहा था तुम जितना पहन के घूम फिर सको ना उतना ले लो। अल्लाह पाक उसे अरबपति बनाए और हमारे भी दिल दर्द दूर हो जाए। अरे बेटा सिलाइयां कर करके मेरी तो आंखों की बिनाई चली गई है, अल्लाह ताला हमारी भी आकबत अच्छी तरह से गुजर जाए। तो अम्मा यासिर अदील का नंबर मांग रहा था मुझसे। क्यों? कह रहा था कल अदील के ऑफिस जाऊंगा। बात सुन, उसको कहना कि अभी जरा सबर से काम ले। अरे तू रुखसत होके उनके घर चली जा, इतनी घबराहट किस बात की है उसको, अदील खुद बुला लेगा उसे। नंबर मांग रहा था। अच्छा चल अब इनको तय करके रख। अच्छा प्यारे है ना? बहुत प्यारे माशाल्लाह, अल्लाह तुझे पहनना नसीब करे। खाला बॉल फेंक दे। हाँ खाला बॉल फेंक दे, सोच समझ कर खेला करो। अब अगर आई तो मैं नहीं दूंगी, ये याद रखना। आशी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, काफी बुझी बुझी लग रही है, चल किसी लेडी डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे बेटा उम्मीद से होने के यही दिन होते, और वैसे भी लेडी डॉक्टर से मिलते जुलते रहना चाहिए, मुझे तो लगता है कि कोई खुशखबरी है। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं जाना मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा चल ठीक है, जब तू कहेगी तब मिल लेंगे। वैसे शुरू शुरू में कोई डॉक्टर मिल जाए ना तो ये अच्छा होता है। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो डॉक्टर के पास किस लिए जाना है? अच्छा तुम्हें अपनी दोस्त की शादी में जाना है ना, कितने बजे जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना। मैं नासरा और अदील की रिश्तेदार हूँ। जी। तुम इनके चुंगल में कैसे फंस गई? क्या मतलब? मतलब ये है कि देखो तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, और ये जो नासरा है ना और अदील दोनों बहुत धोखेबाज हैं। हाँ ये क्या कह रही हैं? हाँ ठीक कह रही हूँ मैं, नासरा है ना पागल है। क्या? नासरा का तो अमेरिका में भी इलाज चला था, और ये जो अदील है ना इसकी तो दूसरी शादी है। ये झूठ क्यों बोल रही हैं आप? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी, सच कह रही हूँ मैं तुमसे। और ये जो नासरा है ना ये बिल्कुल अदील का घर बसने नहीं देना चाहती। जो भी लड़की आती है ना बस उसकी तलाक करा देती है। हेलो
आखिर तुमने अपने नागिन होने का सबूत दे ही दिया। क्या बकवास कर रही थी तुम? मैं तो कह रही थी कि लहंगा बहुत अच्छा है। कितने का है? अच्छा, लहंगा बहुत अच्छा है। तुम्हारे रगों में जो गंदा खून दौड़ रहा है ना, उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैंने सुन लिया जो तुमने कहा था। हाँ तो अच्छा किया सुन लिया। मैं कौन सा झूठ बोल रही थी, सच्ची तो कह रही थी। दफा जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है पागलों के साथ रहने का। जा रही हूँ मैं। ये सारे खुद पागल। जानती हो कौन थी? हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार महनाज चाहती थी कि उसकी बहन शहनाज की शादी अदील के साथ हो जाए। हमने मना कर दिया तो अब तरह तरह की बातें बनाते फिरती। तुम्हें यही कहा होगा ना कि मैं पागल हूं। उसने अदील की पहली शादी का बताया। अब सोचो जरा, अगर अदील की दूसरी शादी हुई होती तो हम क्या तुमसे छुपाते? तुम्हें पता नहीं चलता? और इधर देखो मेरी तरफ, क्या मैं पागल लगती हूँ? क्या पागल ऐसे दिखते हैं? नहीं। ये सब लोग चलते हैं हमसे, हसद करते हैं, और अब तो और भी चलेंगे, और भी चलेंगे, क्योंकि हम इतनी खूबसूरत लड़की अपने घर में ब्याह के लाए। तुम ठीक ना करो, हाँ अदील को भेजती वंदन। हिम्मत कैसी हुई ये सब बातें करने की? आपा मैंने आपको मना भी किया था कि इन लोगों को शादी पर मत बुलाएं। ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन। मैंने तो सलमा को बुलाया था, साथ ही महनाज आ गई। खैर, फरा को मैंने समझा दिया है, वो कोई बेवकूफ लड़की नहीं कि लोगों की बातों में आ जाए। तुम फिक्र मत करो, अंदर जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप भी परेशान मत होइए। Beautiful. मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। जी नहीं, खूबसूरत तो मैं पहले भी थी। आई नो, पहले से ही पता होना चाहिए। ये मैं तुम्हारे लिए डायमंड के रूप में। थैंक यू।
खुश हो? बहुत खुश हूँ। तुमने और नासरा आपा ने तो मेरे सारे ख्वाब पूरे कर दिए जो मैं हमेशा से देखती आई थी। अभी तो तुम्हें बहुत से ख्वाब देख। अभी एक औरत आई थी, जिस दिन से शादी होकर आई है इसका बूथा सीधा ही नहीं होता। तो आपका कौन सा बहुत सीधा है? बकवास बंद कर, जानती नहीं है तू मुझे, और ये थोपड़ा अपनी माँ को जाकर दिखाना। और आशी, खबरदार जो तूने खाला के सामने जबान खोली तो। मुबारक हो आजी, मुबारक हो, तो उम्मीद से है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है।